सत श्रीकाल, स्वागत है सारे स्टूडेंट्स का। सो स्टूडेंट्स, कनेडा दे रिजल्ट्स ने तो स्पीड फड़ ली है बड़ी तेजी नाल, डेली वीज़े आ रहे ने, रिजल्ट आ रहे ने। सो हुण सवाल है पीटीई दा, पीटीई दे रिजल्ट की उन्नी तेजी नाल आ रहे ने, ते आ रहे ने तो उन्हां दा ट्रेंड की है। अज दे इस वीडियो दे विच यही गल डिस्कस करांगे। अज साडे नाल इंडस्ट्री दे एक बड़े ही माहर एक्सपर्ट मौजूद ने, जिन्होंने 14 साल तो वध दा एक्सपीरियंस है लैंडमार्क इमीग्रेशन वालों, जसमीत भाटिया जी, स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सो जसमीत जी, जिहड़े रिजल्ट आ रहे ने वो तेज ने, रिजल्ट दा ट्रेंड पीटीई नूं लैके की कहिंदा? बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि पीटीई वाले बच्चे डेली सानू मैसेज पाते हैं फेसबुक ते यूट्यूब ते, डेली साढ़े कोल क्वेरीज आती हैं, क्योंकि पीटीई वाले बच्चों नू सही तरीके गाइडेंस नहीं मिलती। दीपक जी, एक तो जिहड़ा पीटीई वाला बच्चा होंदा ना, नॉर्मली मैंने कल भी दो बच्चे मिल के गए, पीटीई की हुई सी और रिजल्ट भी बहुत वधिया सी, 65 से एक बच्चे दे, एक दे 62 सी, और किसी को गए होने आई डोंट नो, उन्होंने कहा कि तुहानू पीटीई ते सरकारी कॉलेज नहीं मिलना। सो जो कि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल सरासर गलत है। पीटीई ते तुहानू सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, एक नहीं 10-15 ऑप्शनस मिल जाएगियाँ। फिर दूजा उन्होंने कहा कि तुम प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करो, किसी वैंकूवर के प्राइवेट कॉलेज अप्लाई करो, और उस तो बाद उत्थे 2 साल पढ़ो और उस तो बाद यूनिवर्सिटी करो। सो मैंने लगा कि वो एक जाल च फसाण वाला काम हैगा, कि बच्चा पहला 2 साल पढ़े प्राइवेट कॉलेज, फिर 2 साल किसी यूनिवर्सिटी पढ़े। वो बच्चा जिहड़ा डिप्लोमा करन जाना चाहता है, और पीटीई दे चंगे नंबर हैं बच्चों, दोनों बच्चों के ही बहुत वधिया नंबर से और पीटीई च भी अच्छे नंबर से, सो उन्होंने भी प्राइवेट कॉलेज गाइड किया जा रहा है। सो मैं स्टूडेंट्स नूं कहांगा कि तुहानू सरकारी कॉलेज मिलेगा, सरकारी कॉलेज च जाओ, अच्छी लोकेशन ते जाओ, अच्छी तरह अपनी फाइल प्रिपेयर करो, तो पीटीई ते बहुत वधिया इस टाइम रिजल्ट आ रहे हैं। सो पीटीई ते बहुत वधिया रिजल्ट आ रहे हैं, कितनी रेंज च होना चाहिए स्कोर? सी मैं शुरू दा ही कहिंदा आ रहा दीपक जी, तुसी मेरे नाल बहुत शो कर चुके होगे, मैं हमेशा कहिंदा आ रहा कि इस टाइम ते पीटीई 58 तो उत्ते उत्ते जे नंबर होणगे तां ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दी आपां उम्मीद रखिए। जे 58 थले हैं, एडमिशन सरकारी कॉलेज फिर भी मिल सकती है, बट की कहते हैं पॉजिटिव रिजल्ट्स आप कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ कमी रहेगी। सो 58 एंड अबव वाले बच्चों के रिजल्ट्स बहुत वधिया आ रहे हैं। रीसेंटली साढ़े को 28 के करीब बच्चे इदा के है जिन्होंने पीटीई ते वीज़ा अप्रूवल्स आई हैं पिछले 30-40 दिन। सो सरकारी कॉलेज प्रैफर करन? सी मैं सारे ही सरकारी कॉलेज से ही अपलाई करता ज़्यादातर बच्चे। सो जे एलिजिबल है सरकारी कॉलेज लिए तो दीपक जी असं सरकारी कॉलेज ही अपलाई करा, जे एलिजिबल नहीं है दैन वी कैन लुक एट अदर ऑप्शन, बट बहुत सारिया ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज दियाँ, और लैंडमार्क इमीग्रेशन कैनेडा तो बहुत ज़्यादा व्डे नंबर से सरकारी कॉलेज रिप्रजेंट करता है, और असी कोशिश करते हैं कि बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज ही दिता जाए। सो स्टूडेंट्स, जिमें कि जसमीत जी ने दसिया कि कई बार प्रोफाइल बहुत वधिया हुंदा है, सारा कुछ ठीक हुंदा है, बट कंसल्टेंट की सलाह माड़ी मिल जाती है, उहदे करके भी स्टूडेंट्स का बहुत वड्डा नुकसान हो जाता है। सो इन्हां गल्लां का ध्यान रख्या करो, तो कंसल्टेंट चूज़ करन तो पहला बहुत सारिया चीज़ां देखिया करो, लाइसेंसड होवे, एक्सपीरियंसड होवे। जसमीत जी कोल 14 साल का एक्सपीरियंस है, 20,000 तो वध वीज़े लवा चुके ने, इह उहनां दा ट्रैक रिकॉर्ड है। धन्यवाद।